चाहत है हम सबकी कि विक्रम भैया, विक्रम सिंह सिद्धू ज़रूर जीतें, क्योंकि अगर वो सत्ता में आते हैं, अगर वो पावर में आते हैं, मुझे लगता है कि वो हमारे समाज के लिए, हम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है एक अच्छे लीडर की, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहले से ही वर्क कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके पास एक्सपीरियंस होता है, बट वो एक, जैसे कहते हैं ना, एक आम आदमी के पास से ऊपर उठ चुके होते हैं, वो उनका एक अलग एरिया बन चुका होता है, वो एक हाइट गेन कर चुके होते हैं। बट वहीं एक ऐसा इंसान है जो अभी लोगों के बीच में रह रहा है, उसको एक उत्साह, अलग तरह का उत्साह होगा उसके अंदर एक अलग तरह की, मतलब डिज़ायर होगी, एक इच्छा होगी कि मैं सबके लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। जो यूथ है, वो यूथ का एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एडवोकेट विक्रम जी कि जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, उससे पता चल रहा है कि उनके इतने इयर्स का एक्सपीरियंस, द वे ही लुक्स एट द प्रॉब्लम्स, ही लुक्स एट द ग्राउंडेड प्रॉब्लम्स, दैट इज़ इम्पैकेबल। जिते भी हो कहे उन्होंने नाल जाने लिए तैयार हाँ। और विक्रमजीत सिंह सिद्धू मेरे को लगता है सारी पार्टी चो अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, जो कि जिन्होंने उन्होंने पहला भी सब लेबर की हेल्प की है और सबन राशन पहुँचाया, कैंप भी लगाए ने। कांग्रेस के 3 यार, नशा, बेअदबी, भ्रष्टाचार, इन सब को शिक्षों के पीछे कैसे अंजाम देना है, वो विक्रम सिद्धू कर सकते हैं, क्योंकि एक जाने माने वकील हैं। पंजाब दे विच हो रही विधानसभा चोणां नूं लैके बीजेपी वल्लों विक्रम सिद्धू नूं लुधियाना दे हलका वैस्ट तों उम्मीदवार ऐलानिया गया। उस तों बाद उन्हां दे समर्थन दे विच औरतां ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की। इस मौके उत्ते औरतां दा की कहना है, वो तुसी आप सुनो। विक्रम भैया हम उन्हें बोलते हैं, एंड बहुत सालों से जानते हैं विक्रम सिंह सिद्धू जी को, और हमने आज की मीटिंग का हमारा यही एजेंडा रहा है कि हम कुछ ही लोग थे, बहुत ज़्यादा तो अलाउड भी नहीं है, कुछ लोग थे। मीटिंग का एजेंडा यही है कि हम आगे क्या चाहते हैं उनसे। हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग करी है, लोगों के बारे में बताया है कि क्या लोगों की परेशानियां हैं, उन परेशानियों को उनके आगे रखा गया है। हमने अपनी फर्दर फ्यूचर के लिए हमने क्या प्लान्स किए हैं, उन परेशानियों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उन पर बातें करी हैं उस मीटिंग में, उस चीज़ों के सॉल्यूशंस के ऊपर बातें करी हैं, और डेफिनेटली आगे ये पूरा जो कैंपेनिंग है उसको हमने आगे कैसे बढ़ाना है, किस तरह से सक्सेस करना है और किस तरह से विक्रम जी का साथ देना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की है। और हम दिली चाहत है हम सबकी कि विक्रम भैया, विक्रम सिंह सिद्धू ज़रूर जीतें, क्योंकि अगर वो सत्ता में आते हैं, अगर वो पावर में आते हैं, मुझे लगता है कि वो हमारे समाज के लिए, हम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है एक अच्छे लीडर की, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगता है अगर नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे आने की, उनमें एक अलग तरह का उत्साह होता है। अगर आप और कैंडिडेट्स की बात करें जो पहले से ही वर्क कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके पास एक्सपीरियंस होता है, बट वो एक, जैसे कहते हैं ना, एक आम आदमी के पास से ऊपर उठ चुके होते हैं, वो उनका एक अलग एरिया बन चुका होता है, वो एक हाइट गेन कर चुके होते हैं। बट वहीं एक ऐसा इंसान है जो अभी लोगों के बीच में रह रहा है, उसको एक उत्साह, अलग तरह का उत्साह होगा उसके अंदर एक अलग तरह की, मतलब डिज़ायर होगी, एक इच्छा होगी कि मैं सबके लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि जो आसपास भी उन्हें सब दिख रहे हैं, उन सबके लिए भी कुछ अच्छा कर सकूँ। तो मुझे तो वैसे ही ये लगता है कि नए, मतलब एक तो नए हैं, बट नए होते हुए भी उनका सबसे बड़ा सोसाइटी में उनका योगदान बहुत लोगों ने देखा है कि उन्होंने सबके लिए क्या किया है, और वो लुधियाना के लोगों से, लोग उनसे बहुत, एक होता है ना जैसे नेक्स्ट डोर नेबर आप कहते हैं, क्या उनके पास जाना आसान होगा, सबको, किसी के लिए वो, हर किसी के लिए वो अप्रोचेबल होंगे। यही कहना चाहती हूँ, वही जो कहा कि अभी जो यूथ है, वो यूथ का एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एडवोकेट विक्रम जी की जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, उससे पता चल रहा है कि उनके इतने इयर्स का एक्सपीरियंस, द वे ही लुक्स एट द प्रॉब्लम्स, ही लुक्स एट द ग्राउंडेड प्रॉब्लम्स, दैट इज़ इम्पैकेबल, दैट इज़ हमेशा आउटस्टैंडिंग। तो जो हम चाहते हैं वो हम उनसे बात कर पाते हैं और वो उस चीज़ को सॉल्व कर पाते हैं, तो उनको ज़रूर मौका दिया जाना चाहिए लोगों की सेवा करने का। असं विक्रम जी सिद्धू साहब के घर आए हैं, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, और जिते भी हो कहे असं उन्होंने नाल जाने लिए तैयार हाँ। और विक्रमजीत सिंह सिद्धू मेरे को लगता है सारी पार्टी चो अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, जो कि जिन्होंने उन्होंने पहला भी सब लेबर की हेल्प की है और सबन राशन पहुँचाया, कैंप भी लगाए ने, तो वह हमेशा पहला भी उन्होंने काम किया, तो जित के भी वह इस तरह काम करते रहेंगे, मैंने लगता कि वह जरूर ही जितने साड़ी सारे की उन्होंने सपोर्ट असं नाल हाँ। मैंने कुछ दिन पहले टीवी पे नवजोत सिद्धू का इंटरव्यू सुन रही थी, उनको आदत है क्योंकि वो कॉमेडी शो से आए हैं, अपने आप ही बोल के तो किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो कहते ठोको ताली। अब उनको कौन समझाए कि राजनीति कोई कपिल देव शर्मा का कॉमेडी शो नहीं है, यहाँ तालियां लोग अपने आप बजाते हैं, अगर आप काम करते हो आपको ठोको ताली कहने की ज़रूरत नहीं है।
और वो बात विक्रम सिद्धू में है, ये काम करेंगे, सोशल है, एनर्जेटिक है। और सबसे बड़ी बात, आज पंजाब सिर से लेके ऊपर तक जो मौजूदा सरकार है वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कांग्रेस के 3 यार, नशा, बेअदबी, भ्रष्टाचार, इन सब को शिक्षों के पीछे कैसे अंजाम देना है वो विक्रम सिद्धू कर सकते हैं, क्योंकि एक जाने माने वकील हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता। यही वजह है कि मैं चाहती हूँ कि सारी दुनिया इनको सपोर्ट करे। एक बीजेपी को अगर हम मजबूत बनाएंगे तो सरकार हमारी बनेगी, क्यों? ये एक फैक्ट है। जो रूलिंग पार्टी अगर सेंटर में है, अगर वही सरकार सूबे में बनती है तो सूबे की विकास की जो रफ्तार है वो दुगनी हो जाती है। सपोर्ट वोट एंड इलेक्ट एडवोकेट मिस्टर बिक्रमजीत सिद्धू भैया। टू डिस्क्राइब हिम इन वर्ड्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल। ही इज परफेक्ट इन एवरी रिस्पेक्ट। ही इज सो एनर्जेटिक एंड सो लॉयल टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन एंड वर्क। वी नो भैया सिंस 15 ईयर्स एंड ही इज always there for us at any point of need. I would just say that we all should vote for Bikramjit Sidhu. BJP ki taraf se khade hue hain. Aapne khud ne sabne dekha hai ki sari parties aati hain, but is baar BJP ko bhi ek chance diya jaye unko apna dikhane ke liye, aur unhone kafi kuch kiya hai. Aap dekho pure India mein, agar aap dekho BJP ne kafi industry ke liye bhi, agriculture mein bhi. Bureau reports, Ludhiana Times.